नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.4 प्रश्न नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है एक ऐसी आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। इसका अर्थ यह है कि बाग जो होगा या बगिया जो होगी वह एक आयत के रूप में होगी, ठीक है। और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मान लो चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो अगर चौड़ाई है एक्स तो लंबाई होगी दुगनी, यानी 2x मीटर। प्रश्न के हिसाब से उनका क्षेत्रफल है 800 मीटर। क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आपने पढ़ा है ये पहले कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? अभी हमने लिखा 2x गुना चौड़ाई कितनी है? x बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, 2 यहाँ गुना हो रहा है इनसे, उधर जाके हो जाएगा भाग, और यहाँ बन गया x गुना x, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ गया आठ सौ को 2 से भाग कर दिया, 400 मीटर स्क्वायर। तो एक्स किसके बराबर होगा? एक्स होगा इसके रूट के बराबर। एक्स का स्क्वायर इसके बराबर है 400 मीटर स्क्वायर के। एक्स किसके बराबर होगा? 400 मीटर स्क्वायर के रूट के बराबर। और ये आ जाएगा प्लस माइनस 400, जो है यह होता है 20 का वर्ग। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20 मीटर। अब क्योंकि चौड़ाई जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए हम लेंगे x बराबर 20 मीटर, ठीक है बच्चों। माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस वाला निशान इसलिए नहीं लिया क्योंकि किसी भी भाग की लंबाई या चौड़ाई माइनस में यानी 0 से कम नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है हमें निकालना था चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई कितनी है? हमने शुरू में माना था, मान लो चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, और एक्स हमारे पास कितना आया है? 20 मीटर। इसका मतलब चौड़ाई आ गई 20 मीटर। इसी प्रकार से लंबाई, लंबाई हमें दी हुई थी चौड़ाई से दुगना यानी 2x मीटर। तो यानी 2 गुना x, x है 20 मीटर, तो 2 गुना 20 हो गया 40 मीटर। तो ये हमने बाघ की लंबाई और चौड़ाई पता करनी थी, वह हमने यहाँ पर कर दी है। तो बच्चों, ये बड़ा आसान सा सवाल था। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें और मेहनत से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।